आज आरएसएस की बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वहां संघ की जमकर तारीफ की, यहां तक कहा कि आज वो और उनकी सरकार जहां तक पहुंचे हैं वो संघ के बताए गाइडलाइंस पर चलकर। और हां, लाल किले से खुद को देश का प्रधान सेवक कहने वाले प्रधानमंत्री ने संघ की बैठक में खुद को स्वयं सेवक कहा, और वो भी पूरे गर्व के साथ। ये संघ के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाजिरी है। 2 घंटे तक प्रधानमंत्री का वहां संघ प्रमुख मोहन भागवत और संघ के दूसरे बड़े नेताओं के साथ संवाद हुआ। कुछ मोदी ने कहा, कुछ संघ ने सुनाया, और फिर प्रधानमंत्री ने खुद को भी स्वयंसेवक बताया, बल्कि इस पे गुमान भी किया। लाल किले के प्राचीर पर वो देश के प्रधान सेवक होते हैं, संघ की सभा में स्वयंसेवक हो जाते हैं। मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया। धारा प्रवाह घंटों बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की सभा में बस 15 मिनट तक बोले। इसमें सबसे अहम ये था कि उन्हें संघ का स्वयंसेवक होने का गुमान है। अगर बीजेपी आज सत्ता में है तो आरएसएस की वजह से। उनकी सरकार देश की तरक्की के लिए काम कर रही है, यहाँ तक कि कुछ कठोर कदम भी उठा रही है जिसके नतीजे जल्द ही सामने आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बोले, लेकिन पीएम के बोलने से पहले संघ ने उनकी पीठ थपथपा दी थी कि बहुत अच्छा कर रही है मोदी सरकार। संघ के ऐसे कोई एजेंडा सरकार के लिए हमने दिया ही नहीं, भारत के लोगों के मन के एजेंडा को लेकर भारत के सरकार काम करे और नरेंद्र मोदी नेतृत्व के सरकार इस दिशा में आगे बढ़े, यही हमारी कामना है और काफी हद तक उस दिशा में वो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री संघ का आशीर्वाद लेकर लौट गए, लेकिन इतना तय है कि अब ये बहस और तेज होगी कि क्या संघ का इशारा मोदी सरकार को चला रहा है, जैसा कि विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है। पहले मोदी सरकार के मंत्रियों ने संघ को अपने कामकाज की रिपोर्ट दी, तो आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संघ की इस बैठक के अंदर शिरकत करने के लिए आए, तो संघ ने भी साफ कर दिया कि वो अभी तक मोदी सरकार के कामकाज से खुश है, लेकिन संघ के मूल एजेंडों पर काम होना अभी बाकी है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज मोदी सरकार की पीठ थपथपाई। संघ ने मोदी सरकार को यह कहकर राहत दी कि राम मंदिर का सवाल वो इस वक्त नहीं उठाएगी और सरकार के कामकाज का मूल्यांकन भी 3 साल बाद करेगी। सरकार भी खुश, संघ भी खुश। देश में रिमोट कंट्रोल की सरकार किसकी चली? कांग्रेस की अगुवाई वाली मनमोहन सरकार की, जिसका पावर सेंटर 10 जनपथ माना जाता रहा, या फिर मोदी सरकार की जिसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली नहीं नागपुर से माना जा रहा है? 2 दिनों से दिल्ली के मध्यांचल भवन में संघ सरकार की दोस्ताना बैठक चल रही है। एक एक कर तमाम मंत्रियों की पेशी हो चुकी है और आज शाम ढलते ढलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी यहां पहुंचा, तो ये सवाल और तलखी से सुलगा कि क्या मोदी सरकार का नियंत्रण संघ के हाथों में है? संघ की तरफ से इस सवाल का क्या जवाब आया, पहले ये सुनिए। कांग्रेस क्या कहता है इसको उत्तर देना, संघ के वैसे तो कोई हमारे नहीं बनता है, तो इसलिए जिन्होंने रिमोट कंट्रोल के इतने चलाए हैं उनको कहने के नैतिक अधिकार भी नहीं है। तो क्या संघ सरकार के रिश्ते के पेचीदा सवाल का जवाब इतना ही सीधा साधा है जैसा कि दत्तात्रेय हसबोले बता रहे हैं? ना मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो संघ की बैठकों में पहुंचे हैं, ना ये पहला मौका है जब संघ और सरकार की जुगलबंदी खुलकर दिखी है। वाजपेयी भी आए थे, मोदी भी आए हैं, लेकिन फर्क इतना है कि मोदी के साथ साथ सरकार के दर्जन भर मंत्री तमाम कामकाज छोड़ 2 दिनों से संघ के साथ उन तमाम मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं जो संवेदनशील और गोपनीय बताए जा रहे हैं। इसलिए सवाल ये भी उठा कि क्या गोपनीयता की शपथ लेने वाले मंत्रियों को संघ के सामने सरकार का एजेंडा जाहिर करना असंवैधानिक नहीं है? इसका जवाब भी संघ के तरफ से आया। We are not an illegal organization. We have every right to ask a minister also if necessary. Where does the question of secrecy come here? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करने वाले संघ के स्वयंसेवक इस देश के नागरिक हैं। उस विचार से जुड़े हुए स्वयंसेवक मंत्री महोदय बने हैं। वो लोग अपने विचार को जैसे समाज के किसी भी समुदाय में रखते हैं, इस समुदाय में रखा। बहरहाल, अगर हसबोले के बयानों को पैमाना माना जाए तो मोदी सरकार के कामकाज से संघ संतुष्ट दिख रहा है, लेकिन गदगद नहीं। 14 महीने हुए हैं
और भी समय है और बहुत सारे काम करने हैं। दिशा ठीक है, उपलब्धि अच्छी है और आगे बढ़ेंगे। किसी भी विषय को कभी भी संतुष्टि ऐसे 100% हर एक को नहीं कह सकते, और जितना हुआ है इसमें हम दिशा ठीक है, लगन ठीक है, प्रतिबद्धता अच्छी है, इस दृष्टि से हम कह रहे हैं कि ये आगे बढ़ने चाहिए, बढ़ेगा। संघ ने मोदी सरकार के लिए बड़ी लक्ष्मण रेखा खींचने से भी परहेज रखा है। राम मंदिर पर गेंद अदालत के पाले में डाल दी है। गांवों में कमाई, पढ़ाई और दवाई की बुनियादी जरूरत की बात तो आजादी के बाद से ही होती रही है। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर भी संघ ने कटुता नहीं दिखाई, यानी कि संघ और सरकार के रिश्ते में फिलहाल फील गुड फैक्टर साफ साफ दिख रहा है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। बिहार में लालू नीतीश के साथ महागठबंधन से मुलायम के अलग होने के दूसरे दिन उनको मनाने के लिए लालू प्रसाद यादव पहुंचे, लेकिन लालू के साथ रिश्तेदारी भी मुलायम को मुलायम नहीं कर पाई। बावजूद इसके लालू को यकीन है कि देर सवेर समाजवादी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा होगी। मैं नहीं समझता हूँ कि सीट उठ का भी बात है, तो वो हम लोग के अभिभावक है। हमारा 200 सीट भी है, जो 200 सीट वो पूरा सीट नेताजी का है, सब समाजवादी पार्टी का है। तो नेताजी से आग्रह हम लोगों ने किया है कि इसको ये ज़्यादा जिम्मेवारी आपकी है, इस चीज़ों को देश से निजात दिलाने के लिए अधिक साल के बाद यूपी का चुनाव हो जाएगा, तो सांप्रदायिकता देश के लिए एकदम बिल्कुल खतरा है सभी लोगों के लिए। और जहाँ तक लालू यादव का सवाल है, सिर्फ हमारे अभिभावक नहीं है, सीनियर नहीं है, हमारे रिश्तेदार भी हैं, और इसलिए हम लोग का पूरा हक भी है और हम लोग हृदय से इन बातों को चाहते हैं कि देश में समाजवादी व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय की सरकार बने। दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व फौजियों का ताजा दमखम सरकार की पेशानी पर बल बढ़ा सकता है। अनशन और विरोध प्रदर्शन पर बैठे पूर्व फौजियों ने साफ कर दिया है कि उन्हें पेंशन की समीक्षा के लिए 5 साल के सरकारी प्रावधान समेत कई प्रस्ताव मंजूर नहीं हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सरकार का वन रैंक वन पेंशन प्रस्ताव तैयार हो चुका है। 1 जुलाई 2014 से लागू होगा वन रैंक वन पेंशन, जिसकी घोषणा जल्द हो सकती है। वन रैंक वन पेंशन का बकाया 4 छमाही किस्तों में दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2013 को आधार वर्ष माना जाएगा। रिटायर्ड अफसरों में एक रूपता लाने के लिए पेंशन की समीक्षा हर 5 साल में की जाएगी। वन रैंक वन पेंशन की खामियों को दूर करने के लिए सरकार 1 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेगी। पूर्व फौजियों ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द हामी नहीं भरी तो 12 सितंबर को एक देशव्यापी आंदोलन होगा। अगर सरकार 5 साल या 3 साल वाला 5 साल के बाद, पहला 3 वर्ष के बाद और बाद में 5 साल के बाद ऐसा इक्वलाइजेशन करती है भाइयों, तो हम सबको वो मंजूर नहीं है। अगर भाइयों वो हमारे जो स्टैंडिंग ऑलरेडी मुद्दे हैं, अगर उसके मुताबिक है तो हम उसको पूरी तरह से स्वीकार करेंगे और धन्यवाद बोलेंगे। लेकिन अगर भाइयों वो उसके अगेंस्ट है तो भाइयों हम अपनी मुहिम को और तेज करेंगे। क्या आप अपने विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री की किसी बात पर आलोचना करते हैं? क्या आप अपने सरपंच या ग्राम प्रधान के खिलाफ बोलते हैं? क्या आप सरकारी बाबुओं की भी आलोचना करते हैं? अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और ऐसा करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि अब ऐसा करने पर आप देशद्रोही करार दिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में अभिव्यक्ति की आजादी पर फडणवीस सरकार ने खतरे का साया लहरा दिया है। तैयारी कानूनी बेड़ियों में आजादी को जकड़ देने की है, ताकि सरकार संसद में आने से बच सके। एक सरकारी फैसला हुआ है जिसके तहत देशद्रोह की नई परिभाषा तय हुई है। मोटे तौर पर यूं समझ लीजिए कि ऐसे लिखित और मौखिक बयान देशद्रोह के दायरे माने जाएंगे जिनसे सरकार और सरकारी प्रतिनिधियों की मानहानि होती हो, आक्रोश पैदा होता हो और हिंसा भड़कता हो। ऐसी तस्वीरें जारी करना भी देशद्रोह के दायरे में होगा जिनसे सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों की मानहानि होती हो, आक्रोश पैदा होता हो और हिंसा भड़कती हो। कोई भी केस
न होते हुए भी डायरेक्शन हुआ है और डायरेक्शन के मुताबिक उसने सर्कुलर निकाला है। दैट सर्कुलर इज इन वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। मैं सरकार को विनंती करता हूं कि एफजीआर एकदम विड्रॉ किया जाए। सरकार के ताजा फैसले के दायरे में जिन्हें लाया जा रहा है, जरा उन्हें भी जान लीजिए। सरकार के मंत्री, चुने हुए प्रतिनिधि, जिला परिषद के अध्यक्ष, मेयर और सरकार के नुमाइंदे। अगर मैं लेखक हूं, अगर मैं कार्टूनिस्ट हूं, अगर इन चीजों पर भी अगर सरकार के खिलाफ अगर मैं मजाक सा थोड़ा बनाता हूं, कॉमेडियन हूं, अगर इस तरह भी मजाक बनाता हूं, तो क्या सेडिशन होगा? तो इन चीजों पर बहुत सोच समझ कर विचार करके और लीगली बिल्कुल उसमें एम्बिग्यूटी बिल्कुल नहीं रहनी। दरअसल कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी पर बवाल के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार से नई गाइडलाइन बनाने को कहा था। अब सरकार ने गाइडलाइन तो तय कर दी है, लेकिन विपक्ष को इसमें अभिव्यक्ति की आजादी का गला घुटता नजर आ रहा है। कानून के जानकार इस जीआर को घटना के विरोधी मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने तो सीधे इसकी तुलना इमरजेंसी के दिनों से कर दी है। फिलहाल महाराष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। शीना मर्डर कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीना की खोपड़ी, दांत, चेहरे का मिलान हो चुका है। पुलिस का यह भी कहना है कि शीना की हत्या कार में की गई है और संजीव खन्ना ने शीना का गला दबाया, जबकि ड्राइवर श्यामवर राय ने शीना का पैर पकड़ा हुआ था। शीना की हत्या नेशनल कॉलेज के पीछे की गली में हुई। हत्या के बाद सभी आरोपी वर्ली के घर में गए। अहम खुलासा यह भी है कि इंद्राणी ने पुलिस से अपने बचाव के लिए शीना की लाश का मेकअप किया। गाड़ी का नंबर MH01MA2605 बताया जा रहा है। इंद्राणी ने ही शीना का हॉटमेल अकाउंट बनाया और इंद्राणी ने ही मिखाइल को फर्जी ईमेल भेजा था। इंद्राणी ने राहुल मुखर्जी को फर्जी SMS भी भेजा था। पाकिस्तान के रिश्ते नाजुक मोड़ पर हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बार बार बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान से धोखा मिला। इन सब के बीच जानकारी मिल रही है कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे, तो वहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हो सकती है। वो नॉर्मलाइजेशन अगर पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं तो अपने टर्म्स पे करना चाहते हैं, और उन टर्म्स में मेरे ख्याल है सबसे अहम नुकता यही है कि कश्मीर के बारे में बात ना करें या उसको भूल जाएं या उसको डीएमिलिटराइज करें, और ये जाहिर है कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तीसरे को पक्षकार मत बनाइए, भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होनी चाहिए और आतंकवाद से आगे दायरा मत बढ़ाइए। आपका स्वागत है। इस तनातनी की तपिश अभी खत्म भी नहीं हो पाई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत दरवाजे खोल देने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यह खबर आ रही है कि न्यूयॉर्क में मोदी नवाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है। मोदी सितंबर के अंत में न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां सिलिकॉन वैली में उन हिंदुस्तानियों के साथ बड़ा कार्यक्रम होगा। उसी दौरान नवाज शरीफ भी संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की बैठक के सिलसिले में न्यूयॉर्क में होंगे, लेकिन इस बैठक की बुनियाद तय होगी 9 से 13 सितंबर के बीच होने वाली बीएसएफ डीजी की बैठक से। इस बैठक का नतीजा दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्रियों की बैठक से पहले माहौल तैयार करेगा। सूत्रों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान की आला हुकूमत नवाज मोदी की बैठक के पक्ष में है। भारत को निवेश के लिए पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते की जरूरत है, तो पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का दबाव। लेकिन सवाल यह भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक रद्द होने के बाद ऐसा क्या बदलाव आया कि मोदी नवाज से मुलाकात का मन बना रहे हैं। राहुल कंवल, दिल्ली आज तक।